टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेक टुगेदर को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं टेक टुगेदर। डीआईवाई के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। डीआईवाई के पहले एपिसोड में मैंने आपको शोल्डरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था और साथ ही साथ शोल्डरिंग से जुड़े कुछ टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और गलतियों के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको कोने में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वो वीडियो जो था काफी हद तक एक थ्योरी वीडियो था और आज का वीडियो जो है प्रैक्टिकल है, जिसमें मैं शोल्डरिंग और डी शोल्डरिंग का छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। माउस से रिलेटेड मेरे आखिरी वीडियो में मैंने आपको बताया था एलईडी, इंफ्रारेड और ऑप्टिकल माउस के बारे में। 5 अलग अलग माउस मैंने खोल के दिखाए थे और समझाया था किस तरह से ऑप्टिकल माउस काम करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको कोने में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि आज कुछ मैं यूनिक करने वाला हूं। मेरे पास एक गेमिंग एलईडी माउस है और इस माउस को मैं आज इंफ्रारेड माउस में बदलने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, ये मेरा ऑपरेशन टेबल है और माउस जो मेरे पास है वो जेबियन का स्पाइडर गेमिंग माउस है, जिसकी कीमत लगभग 500 या 550 के करीब है और इसके साथ मुझे ये माउस पैड फ्री मिला था। माउस के क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी मॉडरेट है और परफॉर्मेंस भी काम चला हुआ है। माउस के ऊपर यहाँ पे एक DPI चेंज का बटन है और यहाँ पे 2 एडिशनल बटन आप देख सकते हैं। तो इस माउस में प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों इसे इंफ्रारेड बनाना चाहता हूँ, वेल अगर मैं इस माउस को प्लग इन करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो माउस के अंदर आप यहाँ पे नीचे तो लाल एलईडी है, माउस के अंदर एक RGB एलईडी है जो अलग अलग कलर जो है इसके अंदर से निकलता है, जैसे कि अभी हरा आपको दिख रहा होगा, नीला। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी माउस कलर चेंज होता है, नीचे के लाल एलईडी के वजह से कलर जो है प्रोमिनेंट नहीं आ रहे, बाकी के कलर जो है रेनबो इफेक्ट नहीं आ रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बीइंग एन इंजीनियर, जब भी कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होती तो मैं उसे बदल देता हूँ, जो भी आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाल एलईडी को इस इंफ्रारेड एलईडी से बदलने वाला हूँ। ना, जिन लोगों को इंफ्रारेड एलईडीज के बारे में पता नहीं उन लोगों को बता दूँ, इंफ्रारेड एलईडी वही एलईडी है जो आपके टीवी के या DVD के या फिर आपके डिश टीवी के जो सेट टॉप बॉक्स है उसके रिमोट में है, और ये एलईडी आपको टीवी या रेडियो की दुकान पर मिल जाएंगे। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने ये एलईडी ऑनलाइन नहीं खरीदी है, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन खरीदता तो मुझे 20 एलईडी का एक पैकेट लेना पड़ता, जिसकी कीमत जो है 100 रुपये से ज़्यादा पड़ जाती, ऊपर से मुझे डिलीवरी चार्ज एडिशनल पे करना पड़ता। तो ये एलईडी मैंने लोकल रेडियो शॉप से ली है, जिसकी कीमत मुझे पड़ी है 5 रुपये, ठीक है। तो अगर मैं इसे एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही हल्की लाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, क्योंकि कैमरा में इंफ्रारेड फिल्टर लगा हुआ है। तो अगर मैं इसे एक मोबाइल कैमरे के थ्रू दिखाता हूँ आपको, तो आपको ज़बरदस्त लाइट दिख जाएगी, इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। तो इस एलईडी के बारे में मैंने आपको बताया, अब बात करते हैं माउस के बारे में, ठीक है। माउस को हम खोल लेते हैं पहले। नाउ, माउस के नीचे स्क्रूज आपको नहीं दिख रहे हैं, स्क्रूज इन पैड्स के नीचे होंगे। तो चेक करने के लिए मैं पैड को दबा के देख देता हूँ कहाँ पे स्क्रू है। नहीं, यहाँ पे स्क्रू नहीं है, यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे पैड जो है दब रहा है, यहाँ पे भी स्क्रू नहीं। तो इन दो पैड्स के नीचे स्क्रू होने वाले हैं, तो मैं पहले इन पैड्स को उखाड़ देता हूँ। हमारे स्क्रू बाहर निकल गए, अब मैं स्क्रू ड्राइवर से मदद से इसे खोल देता हूँ। ये हमारे माउस के अंदर का पार्ट आप देख सकते हैं। अगर आप इस अंदर के पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ इस बारे में, उसका लिंक आपको कोने में मिल जाएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो एलईडी है इसे मैं बदलने वाला हूँ, जो लेंस के थ्रू यहाँ सेंसर में जा रही है, और यहाँ पर आप 2 देख सकते हैं RGB LEDs यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस LED को मैं बदलने वाला हूँ। अब हर LED के केस में यही होता है कि LED में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, और अगर आप LED को उल्टा लगाते हैं तो LED जलने नहीं वाला है। तो इस पता करने का सबसे आसान तरीका है कि जो लंबा वाला जो है वो पॉजिटिव है और छोटा वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव होता है। पर मान लीजिए आपके LED में दोनों टर्मिनल जो है सेम है कुछ इस तरह से, तब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये पता करने का भी बहुत आसान तरीका है। हर LED में अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो किनारे की तरफ एक नॉच बना होगा, जैसे कि आप इस साइड में देख सकते हैं किनारा जो है कटा हुआ है। यहाँ पे कटा हुआ है, फ्लैट है ये सरफेस। तो ये जो फ्लैट वाला साइड है, ये वाला पिन जो है, ये टर्मिनल जो है नेगेटिव हमेशा हर एलईडी के केस में होगा। मैं अगर दूसरी एलईडी ले लूँ तो इस एलईडी में भी आप देख सकते हैं ये वाला साइड जो मैंने पेंट करके रखा हुआ, ये थोड़ा कटा हुआ है, फ्लैट है, और ये वाला साइड जो है ये नेगेटिव होने वाला है हमेशा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए आप। नाउ उसी हिसाब से हमें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एलईडी में प्लस लिखा हुआ है, मतलब ये साइड प्लस है और ये साइड माइनस है। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ये साइड मैं देख सकता हूँ साफ साफ यहाँ पे कटा हुआ है, मतलब ये वाला टर्मिनल जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे एलईडी लगाना है। तो आप माउस को इसको बोर्ड को निकाल लेते हैं हम यहाँ से, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मैंने बोर्ड को निकाल के इसको बगल में रख दिया। तो उसी हिसाब से हमें इन दोनों टर्मिनल्स को है इनको डीशोल्डरिंग करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम इस एलईडी को जो है यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको महंगे सोल्डरिंग स्टैंड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, सोल्डरिंग हैंड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एक मेकशिफ्ट सोल्डरिंग स्टैंड बनाया है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक एल्यूमिनियम का पुराना प्लेट पड़ा हुआ था जिसके ऊपर मैंने एक क्लिप लगा दिया, और ये मेरा सोल्डरिंग आयरन जिसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो एक तरह का मेकशिफ्ट सोल्डरिंग स्टैंड है ये, और ये पहले भी मैं सोल्डरिंग की वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि मैं सोल्डरिंग फ्लक्स जो है इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इनके फ्यूम्स जो है बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो सोल्डरिंग फ्लक्स जो है इनका यूज़ मैं दो काम के लिए करता हूँ। पहला तो डी सोल्डरिंग करने के लिए, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर के जो सोल्डरिंग होते हैं वो थोड़े हाई क्वालिटी के होते हैं और उन्हें पिघलाने के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैं सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज़ डी सोल्डरिंग के लिए करता हूँ। और दूसरा जो चीज़ के लिए मैं करता हूँ वो है सोल्डरिंग आयरन गर्म हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए। ठीक है, तो सोल्डरिंग आयरन को हम ऑन कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सोल्डरिंग आयरन अभी ठंडा है, तो अगर मैं इसे यहाँ पे दबाता हूँ तो कुछ नहीं होने वाला है, सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल ठंडा है। ठीक है, तो धीरे धीरे सोल्डरिंग आयरन गर्म होगा और ये इस फ्लक्स को पिघला देगा। तो दोस्तों सोल्डरिंग आयरन जो है गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से धुआं भी निकल रहा है, शायद आपको कैमरे में नहीं दिखेगा। तो अगर अभी मैं इसे फ्लक्स में टच कराता हूँ तो आप देखेंगे कि धुआं निकल रहा है, मतलब सोल्डरिंग आयरन गर्म हो चुका है। और ये दूसरा काम है जिसके लिए मैं सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज़ करता हूँ, सोल्डरिंग आयरन गर्म हुआ है या टेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो पहले मैं बता दूँ, अगर जब भी आप किसी चीज़ की डी सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो ध्यान से उसे पकड़िएगा, क्योंकि ये जो दो टर्मिनल है ये भी गर्म होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये गर्म होते हैं तो आपके हाथ जो है जल सकता है, तो ध्यान से इसे पकड़ना है आपको, टर्मिनल्स को टच नहीं करना है। तो चलिए करते हैं इसकी डी सोल्डरिंग। नाउ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के साथ काम करना बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप डी सोल्डरिंग कर रहे हो तो ज़्यादा देर तक आप सोल्डरिंग आयरन को कॉन्टैक्ट में ना रखें, इसे सर्किट बोर्ड जो है ख़राब हो जाता है और इसके स्ट्रिप्स जो है जल जाते हैं, मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो मैं बस इन दो सोल्डरिंग पॉइंट्स को लूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा पिघला देने के बाद, ये थोड़ा सा लूज़ हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे आसान तरीका है कि सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके उसी के मदद से टर्मिनल को पीछे की तरफ धकेलना, ये सबसे इजी ट्रिक होता है। अब मैं बाकी का काम हाथों से करने वाला हूं। एलईडी गर्म हो चुका है, मेरा काम लगभग हो गया है। हाँ, तो मेरा एलईडी यहाँ पे आप देख सकते हैं निकल गया है, ये हमारा एलईडी थे था। और इसी हिसाब से मुझे अब मेरे दूसरे एलईडी जो है उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कौन सा साइड मेरा नेगेटिव था, तो ये वाला साइड जो है मेरा नेगेटिव था, मतलब एलईडी मुझे इस तरह से लगानी है, उसी हिसाब से मुझे एलईडी को बेंड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो पूरी तरह से गलत था, प्लस वाला साइड ये नहीं है, प्लस वाला साइड ये है। ठीक है, तो अगर नहीं होता तो मैं इसे उल्टा करके फिर से लगा दूंगा, वो कोई बात नहीं है।
तो प्लस वाला साइड मेरा ये है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे होल क्लियर नहीं हुआ, तो उस होल को मुझे क्लियर करना पड़ेगा फिर से। हाँ होल मेरा क्लियर हो चुका है यहाँ पे, अब मैं एलईडी को डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एलईडी डाल दी है, और इसकी मैं सोल्डरिंग करने वाला हूँ। नो, सोल्डरिंग करने का तरीका भी बहुत आसान है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से, जैसे मैंने कहा कि काम करना बहुत आसान है। कुछ लोग क्या करते हैं सोल्डरिंग करते वक्त कुछ इस तरह से करते हैं, यहाँ से लिया और यहाँ पे लगाया, यहाँ से लिया और यहाँ पे लगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे आपका काम जो है खराब हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पहले से फ्लक्स होता है, तो हमें इस फ्लक्स का यूज़ करना है यहाँ पे। ये बात आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो फ्लक्स है इसे हम यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे पहले इसे यहाँ पे टच करा लेंगे कुछ इस तरह से। अब उसके बाद हम इसके ऊपर आयरन को टच करा देंगे इस तरह से। देखिए कितनी आसानी से हमारी शोल्डरिंग जो है वो हो गई। अब बारी है इसे चेक करने की, तो मैं प्लग लगा के देख लेता हूँ कि हमारा इंफ्रारेड लाइट जो है जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अगर नहीं जल रहा तो मुझे फिर से इसे उल्टा करके लगाना पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा इंफ्रारेड लाइट जो है यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ग्रीन लाइट के कारण, तो मैं कैमरा ऑन करके देखने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक जल रहा है, तो चलिए अब इसे टर्मिनल्स को काट देते हैं, क्योंकि ये टर्मिनल हमारे किसी काम के नहीं है। मैं कटर की मदद से इसे काट देता हूं। ठीक है, तो मैंने इन्हें काट दिया है। अब बारी है माउस को फिर से लगाने की, तो मैं माउस को लगा के देख लेता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो माउस जो है हमारा काम नहीं कर रहा है, मतलब मैंने एलईडी जो है उल्टा लगा दिया है। तो दोस्तों गलतियाँ सबसे होती है, और मुझसे भी गलती हो गई कि मैंने क्या किया, इस एलईडी को गलती से उल्टा लगा दिया था, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव पे लगा दिया, और अब मैंने इसे सीधा करके घुमा के लगाया है। आई होप अब एक काम करेगा। गलती इसीलिए हुई मुझसे कि क्योंकि यहाँ पे जो है पॉजिटिव के साइन को फॉलो करने की जगह पे मैंने पुराने एलईडी के जो नॉच बना हुआ था, जो कट बना हुआ था साइड में, मैंने उसे फॉलो किया, और प्रॉब्लम यह है कि इस एलईडी के केस में जो कट बना हुआ है उल्टी तरफ है, पॉजिटिव साइड पे है, और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी एलईडी देख रहा हूँ जिसमें पॉजिटिव साइड पे कट बना हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एलईडी के केस में जो नॉच या कट बना हुआ होता है वो उसके नेगेटिव टर्मिनल के साइड में ही बना हुआ होता है, और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या रूल है आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप एलईडी स्ट्रिप्स को भी ध्यान से देखेंगे तो हर एलईडी में जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके एक कॉर्नर में कटा हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस एलईडी के केस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था इसीलिए ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं होता, मुझसे गलती नहीं होती, अगर मैंने मल्टीमीटर का यूज़ किया होता था पहले, अगर मैंने टर्मिनल्स के वोल्टेज में चेक कर लेता कौन सा साइड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, मुझे पता चल जाता। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, गलती मैंने की है, गलतियों से सीखना ही बड़ी बात है। तो इस गलती से मुझे ये सीख मिली कि एलईडी में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकते हैं, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। नाउ इस एलईडी को सीधा करने के चक्कर में जिस प्रॉब्लम की मैं आपसे बात कर रहा था वो मेरे साथ हो गया। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिप्स हैं उखड़ गए हैं, ठीक है, बोर्ड से अलग हो गए हैं स्ट्रिप्स, सर्किट के स्ट्रिप्स। तो जो उस प्रॉब्लम की मैं पहले शुरुआत में आपसे बात कर रहा था वो मेरे साथ हो गया। तो मैं फिर से आपसे सावधान आपको सावधान कर देता हूँ कि जब भी आप शोल्डरिंग कर रहे होते तो शोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा देर तक मेटल स्ट्रिप्स के ऊपर आप लगा के मत रखिएगा, और इसे शोल्डरिंग आयरन को इसके ऊपर मत घिसिए, तो ये आपके सर्किट जो है सर्किट स्ट्रिप जो है खराब हो जाएंगे और आप फिर शोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं, तो मैं इसे यहाँ इस
बेस पे बैठा देता हूँ इस तरह से, और अब मैं इसे अपने मोबाइल में कनेक्ट करूँगा OTG के ज़रिए, एंड वाला। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन है और ये हमारा माउस है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर जो है आ गया है और माउस के साथ इजीली मूव कर रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये जो है काम कर रहा है। ना हर माउस के केस में हो सकता है ये ट्रिक काम ना आए, अगर उसका सेंसर जो है ज़्यादा पुराना हुआ तो शायद आपका माउस इंफ्रारेड लाइट को सपोर्ट ना कर सके, तो एक रिस्क रह जाता है। तो अल्टीमेटली जो है हमारा ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, थैंक गॉड मैं इंजीनियर बना, डॉक्टर बन जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो ये बस एक आइडिया था, मुझे पता नहीं था काम करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए माउस को जोड़ देते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, वायर्स को नीचे से निकालना है लाइक दैट, और इसके ऊपर मुझे इसको लगाना है, स्क्रॉल व्हील को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, स्क्रॉल व्हील हमारा बैठ गया है, अब इसको यहाँ पे ओके ठीक है। अब स्क्रूज की बारी है। नाउ ये बस एक आइडिया था, मुझे लगा कि ये ऐसा किया जा सकता है, थियोरेटिकली ये पॉसिबल था क्योंकि मैं बस माउस की जो लाइटिंग है मैं सब बस उसे चेंज कर रहा हूँ, मैं माउस के अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, तो पॉसिबल था मैं लाइट सोर्स को बदल दूंगा और एक काम करेगा। नाउ आइडिया सक्सेसफुल रहा, जैसे कि मैंने कहा हर माउस के केस में ऐसा ना हो, पॉसिबल ना हो कि सक्सेसफुल रहे। और दूसरी बात जो है कि अगर आपका माउस वारंटी पीरियड पे है, पीरियड के अंदर है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आपकी माउस की जो वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब सवाल ये आता है कि आप अपने माउस को इंफ्रारेड क्यों करना चाहेंगे। वेल, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मेरी तरह इस तरह के किसी कलर प्रॉब्लम के साथ आप जूझ रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप अपने माउस के लाल रंग से तंग आ चुके हैं, लाल LED से तंग आ चुके हैं, या फिर आप अंधेरे कमरे में काम करते हैं और आपके माउस का जो लाल LED है आपके कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक करता है, या फिर अगर आप रात भर कंप्यूटर को ऑन रखते हैं, कुछ डाउनलोड पे लगा देते हैं और माउस की लाल LED जो है आपकी नींद हराम कर देती है, तो ऐसे केसेस में ये ट्रिक आपके लिए काम आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बस इसीलिए माउस को इंफ्रारेड करना चाहते हैं क्योंकि ये ट्रिक जो है बहुत ही कूल है, यूनिक है, कोई नहीं करता, तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो कमेंट में मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्यों आप अपने माउस को इंफ्रारेड करना चाहेंगे या फिर करना भी चाहेंगे या नहीं, तो मुझे ज़रूर बताएं। नाउ जस्ट आप इसके कलर चेंज को देख सकते हैं, अगर मैं लाइट थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है, तो आप अब इसको कलर चेंज को देख सकते हैं, कितना कलर जो है कितना प्रोमिनेंटली चेंज हो रहा है, ऑरेंज, पिंक, वायोलेट, ब्लू, कितना प्रोमिनेंटली कलर चेंज हो रहा है। तो बस ₹5 खर्चा करके मैंने एक LED माउस को इंफ्रारेड माउस में बदल दिया, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, ठीक है। नाउ मुझे पता है कि ये वीडियो जो है शोल्डरिंग का सही ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले गलती कर दी, उसके बाद जो है कैमरा आउट ऑफ फ्रेम हो गया था, इसलिए मुझे वीडियो को कट करना पड़ा। दूसरी बात है कि कैमरे के अंदर से देख के, स्क्रीन में देख के शोल्डरिंग करना बहुत मुश्किल काम है, मुझे आज पता चल गया। तो आने वाले DIY वीडियोस में मैं शोल्डरिंग को और करीब से और डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप शौक से इसे डिसलाइक कर सकते हैं, पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे जाके लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। जैसा कि आपने देखा कि इस माउस के ऊपर एक DPI का बटन है, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि DPI का बटन करता क्या है, आपके माउस में DPI का बटन क्यों नहीं है, और क्या सच में आपको DPI बटन की ज़रूरत है। तो ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि अगले हफ्ते मैं माउस सेगमेंट का चौथा एपिसोड लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा माउस सेंसिटिविटी, माउस एक्सेलरेशन और पोलिंग रेट्स के बारे में, साथ ही साथ PPI, CPI और DPI जैसे टर्म्स के बारे में बात करूँगा, बताऊंगा DPI का स्विच असल में करता क्या है, क्यों गेमिंग माउस हायर DPI के साथ आते हैं, और हायर DPI माउस होने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इतने सारे चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा एक वीडियो में। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल टिक टुगेदर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल, सुझाव या शिकायत है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।